What's up guys, हम है आपके जुड़वा सुशांत और निशांत। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमो बुद्धाय। तो गाइस, हनी 3.0 से मोस्ट हाइप कला स्टार 2.0 कला स्टार के बाद मोस्ट हाइप सॉन्ग जो है बिगड़िया हीरा, जो लव डोज थ्री टू क्या बोलते टू पॉइंट तो ऐसा पब्लिक जैसा आपको बोलना है वैसा बोलो यार, बिल्कुल। बट पाजी ने बिगड़िया हीरा फाइनली ड्रॉप हो गया है और ये फाइनल गाना है क्या आपको, क्या लगता है मेरे को बताओ कमेंट सेक्शन में बताओ। तो यार ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए, मेरे पास बिल्कुल टाइम वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है। मैं सीधा वीडियो पे आते हूँ। आपका काम यही करना है, हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो करना। ऐसे ही प्यार रखो, ऐसे ही सपोर्ट रखो, ऐसे ही सजेशन देते रहो। आते हैं बिगड़िया हीरा। आप लोग, मेरे को पता है आप लोगों ने वेट किया होगा, मैं माफी चाहता हूँ, थोड़ा सा लेट हो रहा है, बट लेट हो रहा है पर लेटेस्ट हो रहा है, बिल्कुल बात है ये, ठीक है। और 100% गाना अच्छा ही होगा, बिल्कुल ठीक है। मैंने जब अभी इंस्टाग्राम पे कमेंट किया तो थोड़ा सा सुना था तो मेरे को वाइब सही लगा था। अभी देखते हैं पूरा वीडियो और डिटेल में बात करते हैं, बिल्कुल। और ऐसे ही प्यार रखो, ऐसे ही सपोर्ट रखो, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो करना। जो आर्मी है लाइक करके दिखा दो किस किस को गाना पसंद आया। आपके लाइक से मेरे को समझ में, हमको समझ में आ जाएगा कि आपको कितना पसंद आया, ठीक है। तो लाइक जरूर करना और लगा दे सुशांत बिगड़िया हीरा, यो यो हनी सिंह उर्वशी रौतेला, एक नंबर लगा दे। इसके बारे में मैंने बोला है, भाई इजंट शी योर एक्स? What is she doing with that old model? Deni pehni hai nu. Vigdiya hi ra note udaavan, mundiyan nu piche laavan, par kise de hath na avan na 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 lutte aashiq. एक चीज बोलना भूल गया कि हैप्पी बर्थडे यो यो हनी सिंह पाजी, द लेजेंड, द रियल किंग। दो कपड़े जोड़ी रेडी है, बताओ कहाँ पे आना है पार्टी के लिए, पार्टी के लिए रेडी है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जो लोग बोल रहे होंगे कि यार पाजी को आपने विश नहीं किया, मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया है पाजी को कि हैप्पी बर्थडे पाजी करके, ठीक है, क्योंकि मैं वो रील वाला नहीं हूँ ना, मैं रियल प्यार करता हूँ तो मैं रील में नहीं डालता, मैं पर्सनली मैसेज करता हूँ, एग्जैक्ट भाई दिल से मैसेज किया पाजी हैप्पी बर्थडे करके, ठीक है। दो जोड़ी कपड़े रेडी है, कहाँ आना है बता दो पाजी पार्टी के। और एक बात, ये वाली जो लिरिक्स है, मैं आपको एक बात बताते था, ये जो लिरिक्स है ये आपने वो सोचो हाय मेरा दिल कब आया था, तो उस रैप में मोनू सोनू वैसा वाला मैं ये नहीं हूँ, मेरा वैसा वाला प्यार नहीं है, बोल के वानी बाजी ने बताया था। और आज के डेट में जितने भी मतलब ऐसे थोड़े जेंजी टाइप के या ऐसे कुछ लड़कियां होते हैं जिसको ऐसे प्रॉपर टारगेट किया गया है, ठीक है ना, और आजकल में ये सब है, मतलब है, ये रियलिटी है, तो रियलिटी लिरिक्स में दिखाई है और आजकल हो रहा है ये सब, बिल्कुल। मतलब आशिक यार बता ठेके में अलग अपना आशिकिया करते रहता, इधर धोखे दे दिया और उसको अलग ही कुछ चालू उसके मन में, और ये बंदा अपने इसमें लुटा रहता है कि यार अरे क्या है क्या नहीं, तो
बहुत सारी रियलिटी भी बोली है यहाँ पे कुछ कुछ जो लड़कियां उनके बारे में है ब्लूटूथ किंग एग्जैक्टली रियलिटी आज की बोल आज की बोल रहे हैं क्या यही हनी सिंह यही है हनी सिंह ठीक है क्या बात है बहुत अच्छा वाइब है गाइस बहुत अच्छा वाइब है मेरे को बहुत अच्छा वाइब लगा गाने का और ये वाला जो लोकेशन के बारे में हमने बताया है टीजर में बताया था हमने ये लोकेशन के बारे में तो इसका व्लॉग भी बनाया आप देख सकते हो ठीक है ना तो मजा आ गया यार क्या बात है बहुत बढ़िया पाजी आई लव यू पाजी लव यू मैंने कभी मतलब ऐसा सोचा नहीं था हाँ कि पाजी जो है हाँ। वो हमारे दोस्त हो सकते हैं मैं आपको एक बात ये जरूर बता रहा हूँ इसका जो म्यूजिक प्रोडक्शन किया गया ना वो पर ऐसे बूम बैक हमको वैसे ऐसे गाने वैसे भी हमको पसंद आते क्योंकि आपने कला स्टार में भी देखा होगा बल्तिया बुझा के प्यार कैसा किया जाता है ये मेरे को सीखे कोई इनसे सीखे इनसे सीखे कोई इनसे सीखे क्या बात है बत्तियां बुझा के ही प्यार करते हैं तो वहां पे दो पर पाजी मैं बोल रहा हूँ कभी कभी बत्तियां चालू करके भी प्यार करके देखो अरे वो भी अलग बात सब चीजें दिखती है ना तो और मजा आता है अबे तू क्या बोल चलो लगा यार गाना लगा बहुत अच्छा वाइब वाह चलो बढ़िया लगा दे सुशांत मजा आएगा चलो सुनते हैं लेजेंड फॉर यू हैप्पी बर्थडे वंस अगेन उड़ावन मुंडे पिछे लावन पर किसे दे हाथ ना आवन ना 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 लुटे आशिक है के जावन टूटियां दे दर्द मिटावन यारा नाल महफिल लावन हाँ जी हाँ पीर मेरी नू गुची दे दो शॉपिंग दी शकीना पैसा शैंपेन वांग उड़ाऊं दी यू नो व्हाट आई मीन शुगर डैडी मुंडियां नू पिछे लावन पर किसे दे हाथ ना आवन ना 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 लुटे आशिक है के जावन दर्द मिटावन यारा नाल महफिल लावन हां हां जी हां ए सेसी गर्ल क्लासी गर्ल लीडे पावे तू फैंसी लीडे मतलब गाइस कपड़े लीडे पावे फैंसी मतलब कपड़े फैंसी पाती है ये जो गिल रोनी वगैरह जो अपने भाई लिखते हैं ना वो इतना टिपिकल कभी कभी पंजाबी वर्ड डाल देते हैं कि मतलब जो लीडे वाला जो वर्ड है ना वो पाजी ने अपने धीट में भी यूज किया था बिल्कुल लीडे पावर ना 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 और ऐसे कुछ तो आजकल के जो ये दो सिर्फ दो मिनट का प्यार जो चल रहा है ना उसके बारे में बहुत अच्छे से बात की गई हुई है आजकल के प्यार में जो चल रहा है सच में आजकल के प्यार में ऐसा ही चल रहा है मतलब प्यार करने से पहले तू करता क्या है क्या है क्या नहीं बहुत अच्छे से इधर बताया गया है ये लिरिक्स में वैसे कि मैं एक बात बता दूं कि हम बांग्लादेश आ रहे हैं 22 से लेके 3 तारीख तक हम बांग्लादेश में रहेंगे तो बांग्लादेश की पब्लिक जरूर मिलते हैं आपसे जितने भी बांग्लादेश की पब्लिक देख रहे हैं क्यों आ रहे हैं क्या आ रहे हैं उसके लिए आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो करना पड़ेगा हर एक अपडेट आएगी और आपको आप बहुत खुश हो जाएंगे ठीक है ना चलो वाह मजा आ गया यार मजा आ गया या फिर तेरे मुड़ के चावा ना 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 बिगड़िया नोट उड़ावन मुंडिया नू पिछे लावन पर किसे दे हाथ ना आवन ना 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 लुटे आशिक ठेके जावन टूटियां दे दर्द मिटावन यारा नाल महफिल लावन हां हां जी हां कुड़े इश्क तमीजा मेरे कोल
चीजा किवें दस तेन दस तकलीफा एथे मेरा कोई ना एथे मेरा कोई ना मुक गई हूं रीजा टूटी यारी नू भी साल होया तीजा दिल करे मेनू मुंडिया नू पिछे लावन पर किसे दे हाथ ना आवन ना 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 लुटे आशिक ठेके जावन टुटियां दे दर्द मिटावन क्या बात है, बहुत ही प्यारा। जाओ जाओ पीछे जाओ जाओ पीछे जाओ टू बी कंटिन्यूड किधर आएगा भाई? ईपी में आएगा कि वो जो इंटरनेशनल विलेजर है उसमें आएगा? शायद उसमें टू बी कंटिन्यूड उसमें ही जाएगा। म्यूजिक प्रोड्यूस बाय यो यो हनी सिंह। बहुत जो आपका वाई भाई पाजी वही आपने म्यूजिक पे भी लगा। मेरे को एक बात ये वाला पार्ट मेरे को बहुत ज्यादा मतलब एक ये एलिमेंट बहुत अच्छा लग रहा था। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ क्या होता है, मैं हर बार आपको बोलता हूँ कि यो यो हनी सिंह के अगर आप पुराने गाने सुनोगे तो ज्यादा एलिमेंट्स नहीं रहते पर इतने पावरफुल एलिमेंट्स रहते हैं कि मचा डालते हैं। बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही ये सीन है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ये गाना भी वैसा ही है, टड़ डड़ ज्यादा फोकस था, बीट पे ज्यादा फोकस था, बिल्कुल थोड़ा सा एक दो और कुछ थे वही सीन था। बिल्कुल, बिल्कुल बाकी चार पांच एलिमेंट में इतना सॉरी मैं गाली देने वाला था, सॉरी गाड़ी निकल गई। चार पांच एलिमेंट ऐसे डाल देते कि वो सिग्नेचर बन जाता है। वो सिग्नेचर बन जाता है और आपके कान में गूंजते रहता है और बैक टू बैक वो आते रहेगा। वो बहुत मेरे को सही लगता है भाई के प्रोडक्शन का, यो यो पाजी के प्रोडक्शन का और कंपोजर बाय गिल एंड रोनी बहुत अच्छा कंपोज किया। लिरिक्स भी बहुत अच्छी आज के डेट में जो चल रहा है वो हिसाब से लिरिक्स लिखे है मेरे भाई जो भाईजान बहुत अच्छे है। डायरेक्टेड बाय मिहिर गुलाटी। एक ही ये पूरा लोकेशन एक ही है बट इसको बहुत अच्छा यूज किया है। कपड़े भी एक ही है, कपड़े भी एक ही है, ये मेरे को बहुत बात अच्छी लगी। एक ही लोकेशन को यूज करके इन्होंने बहुत अच्छा चार मिनट का वीडियो बना दिया है और कहीं पे भी आपको बोर नहीं हुआ। कंटिन्यू वीडियो का कंपोजिशन भी बहुत अच्छा लगा, एडिट बहुत अच्छा लग रहा था और कलर तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था। वाह। और मैनेजमेंट टीम हमारे रोहित छाबरा भाई। हाँ, क्या बात, जान है जान है हमारी बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। एक नंबर हाँ। रोहित भाई एक नंबर। निकुंज खन्ना, निकुंज खन्ना भाई भी है। हाँ। भाई रोहित भाई से मिला उड़ा। हाँ। इसलिए मैं मेरे को पता है वो आदमी कैसे। बहुत बहुत अच्छा प्रोड्यूस किया गया है, बहुत अच्छी लिरिक्स है। पाजी के कॉस्ट्यूम भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, ठीक है ना। और देखो ज्यादा लोग नहीं थे वीडियो में, जितने थे मेरे को तो ज्यादा चार ही लोग दिखे। हाँ। और बाकी बैकग्राउंड का तो कुछ वो तो देख रहे थे बट बाकी जो थे मेन। हाँ। उसमें ही बहुत अच्छा लग रहा था, ये मेरे को बात बहुत अच्छी लगी। और अगर मैं जो दो डांसर थे उन्होंने डांस बहुत अच्छा किया, उनका डायलॉग छोड़ के उनका डांस बहुत अच्छा था। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। हाँ बिल्कुल, तो गाना डांसर एक्टर नहीं है और आज के डेट में आज के हिसाब से गाना बहुत अच्छा है। मेरे को कंपोजिशन और लिरिक्स बहुत अच्छी लगी और पाजी का परफॉर्मेंस ऑब्वियस जो पाजी का अपन जो पाजी को देखना चाहते हैं वही है। और आप लोग बोल रहे थे लिरिक्स चाहिए, रैप चाहिए, रैप चाहिए, रैप भी आ गया, थोड़ा सा था बट अच्छा था। चलो कोरियोग्राफ बाय अतुल जिंदल भाई, बिग डांस लिख लाए उधर। और कॉस्ट्यूम्स डांस डांसर के कॉस्ट्यूम भी आकांश आकांक्षा भाकू ने किया है, बहुत अच्छा। देखो मिहिर गुलाटी की जब बात आती है ना तो वो जब वो शॉट से ही समझ में आता है जहां पे स्टेबल मतलब आर्टिस्ट टेबल है पर शॉट ऐसे ऐसे उनके उसके हिसाब से चलता है। उसको क्या शॉट बोलते हैं मेरे को बता रहे, उससे ही समझ में आता है कि ये मीर गुलाटी का है क्योंकि बहुत सारे वीडियो में उन्होंने वो वाला सीन यूज किया। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है।
तो बाकी आपको कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। बिल्कुल बिल्कुल, और जरूर कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको कैसा लगा, क्या लगा। ये था हमारा वन टेक रिव्यू। अगर कुछ भी गलती होती है तो हमको माफ कर देना, ठीक है ना, और कुछ भी अगर बोलना छूट गया उसके लिए भी माफ कर देना। बाकी आप ऐसे ही प्यार रखो, ऐसे ही सपोर्ट रखो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय भारत। Na 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 na